केमिस्ट्री के कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लूकोफॉस्फोरिनेट फ्रक्टोज कैल्शियम फ्रक्टोसेट और कैल्शियम ग्लूकोजेट हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम सेकंड जो है वो हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि व्यापारिक उत्पादन। व्यापारिक उत्पादन में हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज को अगर हमें प्राप्त करना है तो हम इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन है उसका हम वाटर फ्लूड है उसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, जिससे जो इन्यूलोज है वो फ्रक्टोज में रिड्यूस जाता है और हमें क्या मिलता है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। देन हमारा आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अप्रोक्सीमेटली ग्लूकोज के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंज है। जैसे फ्रक्टोज का जो मणिभंगीकरण है वो बहुत धीरे होता है और अल्कोहल के द्वारा इसका जो मणिभंगीकरण है वो सरलतापूर्ण हो जाता है। और अजलीय फ्रक्टोज यानी जो फ्रक्टोज है वो जो क्या है, सोल्यूबल नहीं है, यानी कि जो क्या है क्रिस्टलाइज्ड है, जो कि क्या है यहाँ पे रंगहीन है, यानी कि वो कलर नहीं दे रहे हैं। तो उनका जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे ज्यादा घुलते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन बेंजीन और अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं। और लेकिन एज कंपेरिजन टू ग्लूकोज इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो ज्यादा होती है, और ये ग्लूकोज के कंपेरिजन में ज्यादा मीठा होता है। और मोस्टली जितनी भी शुगर्स पाई जाती हैं नेचुरली उनमें ये सबसे ज्यादा मीठा होता है। और जो रेशियो है इनके स्वीटनेस का वो है 1.75 इन मल्टीप्लिकेशन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जितना मीठा होगा उससे अप्रोक्सीमेटली 1.25 गुना मीठा क्या होगा, हमारा फ्रक्टोज होगा। और ये एक तरीके से हमें पता है एक्टिव शुगर है। एक्टिव शुगर क्यों है, क्योंकि फ्रक्टोज में फ्री कीटोन ग्रुप होता है और वही हमें क्या करता है, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसको बाईं तरफ घुमाता है। बाईं तरफ घुमाने का मतलब वो क्या है, लिवर रोटेटरी है, और इसे हम लिवर ल्यूज कहा जाता है, यानी कि वाम्र भ्रामक शर्करा कहा जाता है इसे। और अगर इसे डी फ्रुक्टोज भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पैतृक संबंध है वो डी कुटुंब से होता है, यानी कि मतलब अगर हम इसे डी फ्रुक्टोज कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डेक्सट्रोरोटेटरी जो ग्लूकोज होती है वो इससे डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है। देन फ्रुक्टोज में ग्लूकोज के समान ही म्यूटर रोटेशन का गुण पाया जाता है, यानी कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितनी होती है, 133 डिग्री, -133 डिग्री। लेकिन अगर उसको हम कुछ देर तक घोल को अगर हम कुछ देर तक क्या करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं तो उसकी जो रोटेशन है वो कम होकर कितनी हो जाती है, -92 डिग्री हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है इसकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो C6H12O6 यानी कि एस ग्लूकोज ही होता है। फ्रक्टोज जो है वो फॉस्फेट पेंटाक्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज और फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट बनाता है। और इससे ये पता चलता है कि जो फ्रक्टोज के जो 5 ग्रुप है OH के वो उसमें प्रेजेंट हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि जो OH ग्रुप है यानी कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट जो होते हैं फ्रक्टोज में वो एक्टिव है या नहीं है, तो वो हम पता लगा सकते हैं किससे, वो हम पता लगा सकते हैं पेंटाक्लोरो फॉस्फेस पेंटाक्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड, ये दो नाम आप याद रखना। और इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें जो 5 OH समूह है यानी 5 OH ग्रुप है वो पाए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि जो OH है वो जरूरी नहीं है कि हर एक OH ग्रुप का जो बॉन्डिंग है वो औरों के मुकाबले सेम हो, यानी कि क्योंकि हर एक OH ग्रुप की अपनी पोजीशन होती है और उस पोजीशन के रिलेशन में वो उसके भिन्न भिन्न जो
कार्बन परमाणु है वो अलग अलग बॉन्डिंग से वो जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं CH2OH, देन हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, CH2OHN। तो अगर हम इन OH ग्रुप एक ये है और ये है, यानी कि एक ये और बाकी के चार ये। अभी हमें पता है कि जो फर्स्ट नंबर हमारा जो अल्कोहल ग्रुप है यानी कि OH ग्रुप है, उसमें एक तरफ क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है और एक तरफ क्या है CH2। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, CHOH, अगर इसको हम खोल दें, ब्रैकेट को खोल दें, तो क्या हो जाएगा CHOH, यानी कि जो लास्ट वाला होगा CHOH, तो जो लास्ट वाला हमारा है इसमें फर्दर बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें क्या है दोनों तरफ COH है इसमें भी। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो पांचों वर्ष समूह है उसमें भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से वो जुड़े हुए होते हैं। और फ्रक्टोज भी एज कंपैरिजन टू ग्लूकोज, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन तथा फिनाइल हाइड्रिन के साथ रिएक्शन देता है, और इससे पता चलता है कि फ्रक्टोज में एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है। इस बात से ये सिद्ध होती है। और अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वीक एसिड मिल्क का मिक्सचर प्राप्त होगा। उसमें कार्बन की संख्या है वो फ्रक्टोज के एटम्स के मुकाबले कम होती है, और इससे ये पता चलता है कि फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बल्कि कीटोनिक ग्रुप होता है। तो आपके कुछ कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन की संख्या फ्रक्टोज में एसिड बनते टाइम कम हो जाती है, लेकिन फ्रक्टोज में जितने कार्बन हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन है वो 6 है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन हुआ फ्रक्टोज का तो 4 बचे, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है ना कि एल्डिहाइड ग्रुप। देन फ्रक्टोज में कीटोन समूह की उपस्थिति से ये बात भी सिद्ध होती है, ये जो सोडियम अमलगम है इसके साथ मिक्सचर रिएक्ट करने पे डी सॉर्बिटल और डी मैनिटोल का मिक्सचर देता है। जैसे ये रिएक्शन है इसमें हमने क्या किया, फ्रक्टोज को रिड्यूस कराया सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम मरकरी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या मिला, मैनिटोल और सॉर्बिटोल। तो इसमें हुआ क्या, रिडक्शन से हुआ क्या, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, जो कि बोलते हैं इसे मैनिटॉल। वहीं अगर यही रिडक्शन कहाँ हो रहा है, राइट हैंड साइड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉर्बिटॉल। यहाँ पे पोजीशन क्या है, सिर्फ OH की पोजीशन में चेंज है, बाकी सब सेम है। देन हमारा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रोजिन का जो वाटर रिडक्शन करने पे क्या होता है, हेक्सा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है, और जिसमें जो HI और फास्फोरस की उपस्थिति में क्या होगा, मिथाइल एन ब्यूटाइल एसिटिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ये रिएक्शंस हैं जो कि सिर्फ आपको बाय हार्ट याद करनी है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है हमें फ्रक्टोज का, C6H12O6, इसमें फिटिंग एंड बेयर के फॉर्मूला है, जिसको हमने क्या किया है, सिंपली हमने उस चेन को खोल दिया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये फ्रक्टोज का, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो ये
तीन COH ग्रुप है, CHOH ग्रुप, इनको हमने क्या किया यहाँ पे कंडेंस करके लिखा है। और अगर फर्दर हम इसको फिशर फॉर्मूले के व्यू से देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिशर फॉर्मूला ओपन चेयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ है, ऊपर के दो ग्रुप सेम है लेकिन जो ये ग्रुप है यानी कि CHOH, फर्स्ट जो CHO है उसको हमने क्या किया, OH ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, और बाकी के जो दो है OH है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में। और ये क्या है, फिशर फॉर्मूला है। फॉर्मूला को स्ट्रक्चर इसको हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, तो फिटिंग एंड वेयर के हिसाब से या फिशर के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन है वो कितने रहेंगे, इसी रेशियो में रहेंगे, यानी कि 1:2:1 के रेशियो में रहेंगे ये। देन बात आती है रिंग स्ट्रक्चर की। रिंग स्ट्रक्चर में हमारा है पहला अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफेरोनोज, यानी कि हुआ कैसे, मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बनी कैसे। तो जो लास्ट का ग्रुप था हमारा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ को हमने फर्दर जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और फोर्थ नंबर कार्बन पे उसे बॉन्ड किया। तो क्या हुआ, जो ओ एच यहाँ पे प्रेजेंट था वो कहाँ पे हुआ, सेकेंड नंबर कार्बन पे। ऐसे ही बीटा डी माइनस फ्रक्टोफेरोनोज कैसे बनेगा, जब ये ओ एच लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफायरनोज, पायरनोज में क्या होगा, पायरनोज में कार्बन नंबर 5 है वो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन नंबर 5 है। जबकि फ्रक्टोफुरनोज रिंग में क्या होता है, कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंक होता है। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है हमारा ये क्या है, कार्बन नंबर 4 से बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या बन गया, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा डिनोट करते हैं कि जो ओएच ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। और वहीं पायरेनोज क्या करता है, पायरेनोज यानी कि पायरेनोज डिनोट करता है 5 नंबर को, तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो 5 नंबर कार्बन पे हुआ है। आई मीन मैं रिपीट करूंगी, यहाँ पे जो फ्रक्टोफर्नोज है वो कार्बन नंबर 5 पे हुआ है, जबकि फ्रक्टोपायरनोज है वो कार्बन नंबर 6 पे हुआ है। हाँ, अगर हम इस ग्रुप को छोड़ दें, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 तो कार्बन नंबर 5 हुआ, लेकिन अगर हम शुरू से कार्बन नंबर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्रक्टोपायरनोज होगा। और सिमिलरली बीटा में क्या हो जाएगा, OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी बस। जैसे लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, एक्सेप्टेबल है, बस इनमें क्या है, बॉन्डिंग जो है ग्लाइकोसाइडिक वो अलग अलग है। अभी क्या हुआ, उसको हम जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, रिंग स्ट्रक्चर में। जैसे कि हम देख सकते हैं अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, जो कार्बन नंबर 6 है वो यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 के पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट है, कार्बन नंबर 1 यहाँ है और कार्बन नंबर 6 यहाँ है, यही फर्क है। सिमिलरली फ्रक्टोपायरेनोज में क्या है, जो CH2OH है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो CH2OH है वो डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं कर रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, जबकि यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हमारे कार्बन नंबर 6 से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोपायरेनोज। इसमें भी अभी टेबल दे रखा है जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज का कंपैरिजन है,
कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन किस किस के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनकी रोटेशन क्या है, स्टीरियोआइसिज्म कितना है उनका, देन वो किन किन के साथ रिएक्शन देते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्लूकोज का 146 डिग्री सेल्सियस है, वहीं फ्रक्टोज का उससे कम और सुक्रोज का सबसे ज्यादा। यहाँ पे 52.7 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। फ्रक्टोज कितने पे करता है, 92, -92 पे, और सुक्रोज 66.5 पे। यानी कि जो ग्लूकोज और सुक्रोज है वो प्लस डायरेक्शन में उसे कन्वर्ट बेंड कर रहे हैं, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, जबकि फ्रक्टोज है वो नेगेटिवली बेंड कर रहा है। देन म्यूटर रोटेशन जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होती है लेकिन सुक्रोज में नहीं होती है, और इसका कारण है प्रेजेंस ऑफ किरल कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स क्या है, सबसे डिफरेंट है, उनका एक भी बॉन्ड जो है वो सिमिलर नहीं है। और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन फॉर्मेशन करता है कौन कौन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जबकि सुक्रोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता और ना ही ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। HCl के साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्ट नहीं करते जबकि सुक्रोज करता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। देन कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर हम कोल्ड कंडीशन में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो ग्लूकोज जो है वो ब्लैकिश नहीं होता है, लेकिन अगर फ्रक्टोज और सुक्रोज की बात करें तो दोनों कोल्ड कंडीशन में भी कंसंट्रेटेड H2SO4 द्वारा रिएक्ट होने पे ब्लैकिश हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज जाती है। NaOH आइसोमर बनाता है, फ्रक्टोज बनाता है जबकि सुक्रोज नहीं बनाता। पिनफ रिएक्शन के साथ गर्म करने पे ग्लूकोज है वो हरा नीला, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा, 9 और 10 पॉइंट जो है आपका, पिनऑफ रिएक्शन और सेल्विन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हम तब करते हैं जब हमें कोई अननोन शुगर दी गई है और हमें पता करना है कि वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है। तो अगर वो ग्लूकोज है होगा तो वो हरा नीला रंग देगा, यानी कि ब्लू ग्रीन कलर देता है 10-10 मिनट के बाद। फ्रक्टोज है वो देता है 5 मिनट के बाद, और सुक्रोज है वो कोई कलर नहीं देता। और यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो रंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है उसमें कोई भी फ्री एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, नो फ्री एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तभी कलर देता है जब वो बॉन्डिंग बनाता है, और विदाउट बॉन्डिंग कोई कलर नहीं आएगा। और हमें पता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, यानी कि उनमें फ्री एल्डिहाइडिक और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कलर देते हैं, और वो कलर डिफाइन करता है कि वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या फिर वो सुक्रोज है अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर सेल्विन ऑफ रिएक्शन के साथ अगर हम ग्लूकोज को रिएक्ट करा रहे हैं तो ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन फ्रक्टोज और सुक्रोज है वो दोनों क्या है, रेड कलर देते हैं। देन हम आता ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड ये यानी कि 2 से 10 तक जो मोनोसेक्राइड है वो आपस में बॉन्डिंग करके क्या बनाते हैं, ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड में पहला आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड यानी कि जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। अब उनमें भी दो हैं, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग। हमने कल बात की थी रिड्यूसिंग में
यानी कि वो कलर देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग में वो कलर नहीं देते। जैसे सुक्रोज और ट्रेहलोज की बात करें तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स है, और रिड्यूसिंग लैक्टोज, माल्टोज, जेनिटोबायोस, सेलुबायोस और मेलबायोस। फिर है हमारा सुक्रोज, केन शुगर, बीट शुगर, टेबल शुगर और कॉमन शुगर। ये सब क्या है, किसमें आते हैं, इनका जो उपयोग है वो पूरे वर्ल्ड में होता है, और ये मोस्टली एक इम्पोर्टेंट शुगर है, और सबसे पहले प्राचीन काल में तो इसे गन्ने से बनाया जाता था, लेकिन अभी चुकंदर भी यूज करते हैं। और सबसे जो सबसे अधिक अगर कोई गन्ना उत्पादक देश है तो वो भारत है, जो सबसे ज्यादा सुक्रोज का प्रोडक्शन करता है। अगर बाकी देशों की बात करें तो जावा, फिलीपींस और क्यूबा में गन्ने की अच्छी खेती होती है, और गन्ने में अप्रोक्सीमेटली 10-12 to 15% तक सुक्रोज जो है वो पाया जाता है। और मोस्टली अदर देन इंडिया 50% गन्ने से और बाकी आधा चुकंदर से पाया जाता है, और जो कि जर्मनी और रूस जैसे ठंडे देशों में उत्पन्न होता है। अगर बात करें गन्ने और चुकंदर के अलावा तो मैपल, अनानास और गाजर में भी सुक्रोज पाया जाता है। अब कुछ पौधे हैं जैसे फल, बीज हैं, फूल हैं, जड़ है, क्योंकि इनमें जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है सुक्रोज की, इसलिए हाँ, पर ये है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुक्रोज में। देन अगर हम शहद की बात करें तो जो फूलों का फ्लूइड होता है वो एक अच्छा साधन है, जिससे हम शुगर का यूज है वो शहद बनाने के लिए करते हैं। देन यहाँ पे बात आ रही है मैन्युफैक्चर ऑफ सुक्रोज फ्रॉम शुगर केन। इसमें प्रोसेस है आपकी, पहली है एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम कैसे जो क्रूड मटेरियल है वो कैसे हम लेते हैं, यानी कि पहले हम गन्ने को साफ करते हैं, उसके बाद हम उसको कैरियर पे रखते हैं, देन कटर से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और इनको फिर हम क्रशर से पास करते हैं। मोस्टली 3 रोलर होते हैं, और हर रोलर के बाद गन्ने पे थोड़ा सा वाटर जो है वो हम डालते हैं, जिससे जो बचा हुआ सुक्रोज है वो गन्ने से निकल जाए। तो हम अप्रोक्सीमेटली 96% जो है वो जूस निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उनको जो बचा हुआ जो गन्ने का जो रेजिड्यूअल है उसको हम क्या कहते हैं, बैगेजी कहते हैं, बैगेज कहते हैं। देन बात आती है प्योरिफिकेशन की, यानी कि जो हमने क्रूड सुक्रोज या शुगर जो हमने ली है उसको हम अब प्योरिफाई करेंगे, और ऊपर जो हमने यहाँ पे क्रूड जो हमें जूस मिला है वो ब्राउन और ब्लू कलर का दिखता है, और इसमें हम 15 से 20% तक सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, और लेकिन साथ में इसमें हमें इम्प्योरिटीज भी मिलती हैं, जो कि पैक्टिक हैं, कई पदार्थ पैक्टिक पदार्थ हैं, जल है, पानी है, खनिज लवण यानी कि जो मिनरल्स है, रंग पदार्थ है, कार्बनिक एसिड्स हैं, वनस्पति प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, और गन्ने के कई छोटे छोटे टुकड़े। तो ये जितने भी चीजें हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद इसका कार्बोनेशन किया जाता है, ये वरना अगर इसका कार्बोनेशन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो पैक्टिक पदार्थ का जो फर्मेंटेशन है उससे क्या हो जाएगा, पैक्टिक एसिड बन जाएगा, और वो एसिड है वो सुक्रोज की फॉर्मेशन में बाधा डालता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उसे कार्बोनेशन
रिएक्शन से गुजारते हैं। देन बात आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन करने के लिए हम जो भी हमें रस या जो भी जूस हमें मिला है उसको हम बड़े टैंकों में जिसमें स्टीम कॉइल्स लगी होती हैं उसमें 2% चूना डालकर गर्म करते हैं। और इसमें इतना ही चूना यानी कि कैल्शियम कार्बन डालते हैं जितना जो पीएच है वो 7.2 हो जाए। और 7.2 पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। और रस को कुछ समय तक हम वहां पे उसको ठहरा देते हैं जिससे जितनी भी अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाती हैं पीपीटी की फॉर्म में और वो कैल्शियम सुक्रोसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैल्शियम सुक्रोसेट है उसमें एक मोटी परत के रूप में हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको देन फर्दर फिल्टर करते हैं और कार्बोनेशन और सल्फिटेशन यानी कि कार्बोनेशन और सल्फर के जो टैंक होते हैं उसमें हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। देन अब बात आती है रिएक्शन की कि कार्बोनेशन और सल्फिटेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे जैसे C12H22O11.3CaO यानी कि यहाँ पे जो हमने सबसे पहले चूना डाला था यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड वो अब रिएक्ट करेगा किससे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन से। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हुआ तो हमें सुक्रोज के साथ क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। और भाई जो लाइम है यानी कि CaOH2 है उसको फिर हम क्या करेंगे, जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो जो CaCO3 है वो पीपीटी नीचे बैठ जाएगा क्योंकि हमें इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, सुक्रोज से अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर लाइम का उपयोग करते हैं और वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट हमें एज अ पीपीटी मिलता है। देन यहाँ बात करेंगे हम कंसंट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हमें प्योर फॉर्म में अब सुक्रोज मिल चुका है पर अब हम उसे क्या करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म रवे में कन्वर्ट करेंगे और उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो डाइल्यूट कंसंट्रेशन है कि अब वो क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में यानी कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो हुआ हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर को अलग करेंगे उसे कंसंट्रेटेड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफेक्ट वैक्यूम पैन यूज करते हैं जिससे हल्के प्रेशर पे उनको उसको हम क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे जिससे वो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। और उसके बाद हम उसमें से CO2 पास करते हैं। कभी कभी CO2 की जगह SO2 भी यूज करते हैं लेकिन SO2 है वो इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि वो उसमें एसिड उत्पन्न होने की संभावना होती है और हमें पता है कि एसिड अगर एक बार फॉर्म हो गया तो वो शुगर की जो क्वालिटी है उसको डिफर कर सकता है। अब बात करते हैं सुक्रोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें सुक्रोज है वो क्या है, यहाँ पे कलरलेस है, स्वीट है और सॉलिड है और ये माल्टोज लैक्टोज और ग्लूकोज की कंपैरिजन में ज्यादा मीठा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस, वाटर सॉल्यूबल होता है अल्कोहल और ईथर में थोड़ा कम जबकि बेंजीन में और ईथर में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होता है। और ये क्या है, यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसकी जो रोटेशन है कितनी है, म्यूटर रोटेशन 66.5 डिग्री सेल्सियस, 66.5 डिग्री होती है और म्यूटर रोटेशन का गुण नहीं पाया जाता है इसमें। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, सुक्रोज को अगर हम हल्का सा गर्म करेंगे तो वो क्या हुआ, थोड़ा पिघल जाता है और पिघली हुई जो शक्कर है उसको हाँ अगर हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो वो क्या है, हल्के येलो कलर की हो जाएगी और सॉलिड हो जाएगी और वो थोड़ी क्या होगी, चमकदार होगी और जिसे हम बार्ले शुगर कहते हैं। बार्ले से जो हम शुगर प्राप्त करते हैं वो भी हल्के पीले कलर की होती है। 200 डिग्री सेल्सियस पे उसको फिर हम अगर हम गर्म करेंगे तो वह अपना जो मॉलिकुलर वाटर है वो होकर क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हल्के भूरे रंग में जिसे हम कैरेमल कहते हैं। और कैरेमल हम मोस्टली कई डिशेस बनाने में यूज करते हैं जैसे
अगर ब्रिटिश शराब की बात करें, हम मिठाइयों में रंग लाने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेमलाइजेशन करते हैं। सुक्रोज को अगर और अधिक ज्यादा तापमान पर गर्म करके अगर हम उसमें से CO2 पास करेंगे तो वो शुगर चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। देन आती बात हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, सुक्रोज को जो डाइल्यूट HCl है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।